नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर दोस्तों आप किसी का नंबर अपने फोन में सेव करके रखते हैं तो दोस्तों आप गलत तरीका से सेव करते हैं। इसका सेव करने का सही तरीका क्या है? किसी का नंबर दोस्तों हम अपने फोन में सेव करते हैं, जब मेरा फोन खराब हो जाता है उस स्थिति में बहुत ज्यादा हम घबरा जाते हैं, यो सब कॉन्टेक्ट नंबर हमारा आएगा कैसे। तो दोस्तों इस तरीका से, जो तरीका हम आज आपको बतलाने वाले, उस तरीका से अपने फोन में अगर किसी का नंबर अगर सेव करके आप रखते हैं तो आपका फोन डेड पड़ जाए या भुला जाए या खराब हो जाए या आप फोन को चेंज करना चाहते हैं, जैसे न्यू फोन ले लिए हुए हैं, तो उस कॉन्टेक्ट नंबर को आप एक क्लिक में न्यू फोन में कैसे कर सकते हैं, ये सब तरीका हम आपको बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम किसी भी नंबर को सेव करने के लिए हम गूगल डायलर ओपन करते हैं, जो फोन हम लगाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं गूगल डायलर को हम ओपन किए, यहाँ रिसेंटली में अगर फोन उधर से आया होगा तो यहाँ पर शो करता होगा। तो अभी मेरे मोबाइल में एक भी फोन नहीं आया हुआ है। ये हम रिसेंट पर करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं मेरे फोन में एक नंबर है, वो भी हम सेव करके रखे हुए हैं। तो यहाँ अगर कोई भी कॉन्टेक्ट होगा तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। या दोस्तों अगर चाहते हैं कि कोई नया नंबर हम डायलर पैड से डायल करके हम सेव करें तो उसको कैसे हम सेव करेंगे दोस्तों? अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नंबर हम डायल अपने डायलर पैड से करके उस नंबर को सेव करें और सेव करके हमेशा के लिए उसको हम सुरक्षित रखें, तो चलिए कोई एक नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कोई नंबर हम यहाँ पे टाइप कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट पर आपको क्लिक, जैसे पहले करते थे उसी तरह क्लिक करना होगा। तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ देख सकते हैं तीन ऑप्शन खुल के चला गया। तो यहाँ दोस्तों आपका जीमेल शो करेगा, यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद डिवाइस शो करेगा, यहाँ एड इन अदर अकाउंट शो करेगा। तो दोस्तों इसी में आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है किसी किसी मोबाइल में सिम शो करता होगा, सिम दो गो सिम लगाए होंगे तो सिम वन सिम टू और जीमेल आपका शो करता होगा। तो आप अपना जीमेल में हमेशा के लिए सेव करके अपने फोन नंबर को सुरक्षित रख सकते हैं। जीमेल पर जैसे अपने फोन को सेव कीजिएगा दोस्तों आपका कॉन्टेक्ट नंबर कभी गायब नहीं होगा, अगर मोबाइल आपका खो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहाँ जीमेल पर हम अपना क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पे हम नाम लिखना चाहते हैं सिंपल सा नाम लिख देंगे, यहाँ जीमेल शो करता है। अगर जीमेल पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं दो डिवाइस शो कर रहा है और जीमेल शो कर रहा है। हो सकता है इस पर क्लिक कीजिएगा तो सिम वन सिम टू से शो करेगा या जीमेल शो करेगा, इस तरह दोस्तों आपके मोबाइल में शो करता होगा। तो यहाँ पर दो जो भी हम नाम लिखना चाहते हैं यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, उसके बाद दोस्तों इसको हम सेव कर देंगे। अब ये दोस्तों ऑटोमेटिक मेरा जीमेल से बैकअप हो जाएगा, जैसे हम डाटा को ऑन करेंगे ये बैकअप ले लेगा। अब ये वाला नंबर दोस्तों हमारे जीमेल अकाउंट से कभी डिलीट नहीं होगा जब तक हम खुद से इसको डिलीट काहे नहीं कर देते हैं। तो ये हमेशा के लिए सेव होके रह गया। अगर ये मोबाइल हमारा कहीं गुम हो जाता है तो फिर से हम अपना जीमेल अकाउंट दूसरे फोन में लॉगिन करके, जब हम नया वाला फोन लेंगे उस मोबाइल में हम अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करके इस नंबर को हम रिकवर कर सकते हैं। जैसे उस मोबाइल में अपना जीमेल अकाउंट को आप लॉगिन कीजिएगा, जितना कॉन्टेक्ट रहेगा सब यहाँ पे कॉन्टेक्ट चलाएगा। इस तरीका से दोस्तों अपने फोन में किसी का नंबर अगर सेव करके आप रखते हैं तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर कभी डिलीट नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो हमेशा आपके लिए लेकर आते रहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।